सितारा या साहिबा, आपकी नज़र में जो खान साहब ने आज कहा है कि 2 साल में गवर्नेंस ठीक करनी है, ज़ाहिर है गवर्नेंस को ठीक करना ही सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का रहा है। गवर्नेंस ठीक हो तो तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं, करप्शन भी आपकी ख़त्म हो जाती है, लोग आप पे एतमाद भी करने लगते हैं, मुल्क आगे तरक्की करने लगता है। कितना ये मुश्किल टास्क है गवर्नेंस को ठीक करना, और ज़ाहिर है कई चैलेंजेस भी खान साहब के सामने आएंगे। तो हम इनका ये अभी जो बहुत थोड़ा अरसा जो हुआ है, और हम कोई तनकीद इस थोड़े अरसे में नहीं करना चाहते तो हैं इन पे, लेकिन जो इन्होंने छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया है, बहुत छोटी है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी माइन्यूट है, लेकिन ज़ाहिर उसमें आपकी स्टेट की ओवरऑल विल नज़र आ जाती है कि आप कहां विल आपकी नज़र आ जाती है। इन्होंने कहा दबाव पर आना, ठीक है, तो कौन सा दबाव आप मुझे ये बताएं? सिर्फ सेनेट में 10-15 लोगों का एक साइन किया हुआ, वो जो अभी सेनेट में आया भी नहीं, जो सेनेट से गायब भी हो गया, सेनेट में आया भी नहीं, आप उस दवा, ये तो एक छोटी सी बात थी। तो अब आगे हम चाहेंगे, इन्होंने जिस तरह कहा कि सिविल सर्विसेज हमारा एक नाम था, हमारे देखें बाकी आप देखें, सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, लेकिन इस वक्त आपके ही डॉक्टर, आपके इंजीनियर्स किस तरफ चले गए? तो ये सारी चीज़ों को ठीक करना अगर विल है, और अगर ये वो वाली चाहे तो कर अगर सकते वो वाली चीज़ ना हो जो केपी में हुई है, तो हो सकता है, हर एक चीज़ हो सकती है।